वेलकम बैक टू YSC एकेडमी दोस्तों। अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं अगस्त के महीने में, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नेम है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही हैं और ये वीडियो बहुत यूज़फुल है आपके लिए। लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर देना। एक बार बात करते हैं कि इसके अंदर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले इसमें भारतीय संविधान के बारे में बताना है, भारतीय संविधान क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की भूमिका एवं बनावट की चर्चा करें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या रोल था, किस तरीके से वो बनी थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समझाइए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और फिर मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। तो ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन तो इजी है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों का वर्णन करें, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे उनको चूज किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है, है ना, कैसे वो अपने पद को प्राप्त करते हैं और उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं या उनकी क्या क्या काम है, फंक्शंस बताने हैं बेसिकली आपको, ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। नेक्स्ट आता है, भारतीय संसद के महत्व, कार्यों या शक्तियों का वर्णन करें। तो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर भी ये क्वेश्चन आएगा कि भाई जो हमारी संसद है उसका क्या महत्व है या उसके क्या क्या फंक्शंस हैं या उसकी क्या पावर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, राज्य सभा व लोकसभा को समझाइए, है ना। संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। तो राज्यसभा क्या है, कैसे बनती है, कितने मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या पावर होती है, और ऐसे ही लोकसभा क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, तो न्यायिक सक्रियता के बारे में आपको बता देना है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों की शक्तियों को समझाइए, तो जो हमारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी पावर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जिसके अंदर आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है। पहला, जातियों के लिए वैधानिक सुरक्षा उपाय क्या क्या हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाति पर रजनी कोठारी का क्या टॉपिक है, उनके बारे में आपका एक्सप्लेन करना है, उस केस के बारे में। और फिर आता है, जाति व राजनीति के संबंध क्या है, वो आपको संक्षिप्त में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, पितृसत्ता क्या है, ठीक है, जो मतलब पुरुष प्रधान समाज होता है एक तरीके से, उसमें पितृसत्ता क्या होती है, सांप्रदायिकता क्या है तथा भारत में ये किस प्रकार चुनौती बना हुआ है और क्या इसके उपाय हैं। तो यानी कि इसमें कुल मिला के बात आ रही है कि सांप्रदायिकता का मतलब आप समझते होंगे, जब विभिन्न धर्म आपस में लड़ने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति को सांप्रदायिकता कहते हैं। तो ये इंडिया के लिए किस तरीके से एक चैलेंज बना हुआ है और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं इसको ठीक करने के। नेक्स्ट आता है, इंडिया में दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आता है, भारत में महिला आंदोलन को समझाइए। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंचवर्षीय योजना क्या है, पहली दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को भी समझाइए। तो 5 ईयर प्लान के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है, इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, लाइक भी करना। और आप कुछ और कहना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखना, बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।